हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ संकेत। और आज हम AS15 का रिवीजन करेंगे। एक्चुअली ये लाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइव के अंदर मेरा ऑलरेडी 1 GB ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लाइव के अंदर बहुत ज़्यादा नेट यूज़ हो जाता है, तो अभी मेरे पास है नहीं। पर मुझे आज ही शूट करना था। वन रिक्वेस्ट कि AS19 और AS20 थोड़ा टफ है, सो आई डू नॉट थिंक कि मैं आपको रिवाइज करा पाऊँगा, क्योंकि दे आर वेरी लेंदी। ये जो छोटे छोटे AS11, 12, 15, 17 और मे बी 26, मे बी AS19, 20 आर टफ। आपका करिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दे सकता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो एकदम परफेक्टली समझा दूंगा। और कॉस्ट ऑडिट तो मैंने समझाया हुआ है ही, अगर पॉसिबल हुआ तो इकोनॉमिक्स का भी करा दूंगा। ओके, आईटी का भी बहुत सा बता दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, इसके अंदर चार पांच चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो दो प्लेन प्लेन फॉर्मूले लर्न कर लो। अभी मैं बस फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपको नहीं समझा तो आप मेरा पिछला वीडियो AS15 का देखिए, उसके अंदर मैंने क्लियरली पूरा समझाया है। वन इज एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल ए के बाद क्या आता है बी, पर अपन ने क्या लेना है ई, जस्ट फॉर रट्टाफिकेशन पर्पज। ए के बाद एक्चुअल रिटर्न निकालना है तो ए के बाद बी आता है, पर हम क्या लेंगे ई। एफ एम वी एट द एंड माइनस एफ एम वी एट द बिगिनिंग माइनस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस बेनिफिट पेड, ये आपका आ गया एक्चुअल रिटर्न। दैट्स इट। ए के बाद आता है बी, लेकिन हम लेंगे ई, तो ई एफ एम वी एट द एंड माइनस एफ एम वी एट द बिगिनिंग। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइनस, और बेनिफिट्स कुछ मिले तो एड। दैट्स इट, दैट इज एक्चुअल रिटर्न। कभी कभी एफ एम वी एट द एंड दिए हुआ रहता है और आपको एक्चुअल रिटर्न दिए हुआ रहता है और एफ एम वी एट द एंड निकालना पड़ता है, तो जो एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला है उसका टोटल रिवर्स करिए। एफ एम वी एट द बिगिनिंग प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ऊपर अपन ने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस किया था, यहाँ प्लस करेंगे। ऊपर बेनिफिट पेड क्या किया था प्लस, यहाँ क्या करेंगे माइनस, प्लस एक्चुअल रिटर्न। तो एफ एम वी एट द एंड कैसा निकालना है, एफ एम वी एट द बिगिनिंग प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट पेड प्लस एक्चुअल रिटर्न, तो आ गया एफ एम वी एट द एंड। और एक और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये सबसे मेन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एफ एम वी एट द बिगिनिंग इंटू रेट प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट पेड इंटू आर इंटू एन। अभी अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये रिवीजन है, तो मैं बता नहीं सकता एक्चुअली ये कैसे आया है, आप इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, पर फॉर्मूला रट्टाफिकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना है। तो दैट्स इट, थ्री फॉर्मूलेज एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालना है। ए के बाद बी आता है लेकिन हम ई लेंगे, और अगर एफ एम वी एट द एंड लिए हुआ है तो एट द बिगिनिंग वगैरह करके पूरा उल्टा करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो है एफ एम वी एट द बिगिनिंग इंटू रेट प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट पेड इंटू आर इंटू एन। और इसके डिस्क्लोजर तीन है, ये दिमाग में फिट कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट, सेकेंड डिस्क्लोजर सेपरेटली मेड फॉर स्टैचुटरी कंप्लायंस, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज वेदर एक्चुरियल वैल्यूएशन इज मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और अर्लियर। दैट्स इट। इसके बाद आप वो दो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है मॉड्यूल के अंदर वो पढ़ लीजिए और ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर रिविजन के लिए आपको फ़ायदा हो रहा है तो। टेक केयर, बाय।